स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप दूसरे राज्य यानी स्टेट की भर्ती कैसे देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि आपके स्टेट में भर्ती नहीं फिलहाल में आई है और दूसरे राज्य में भर्ती आई है, तो आप उस राज्य की भर्ती कैसे देख सकते हैं। या मान लीजिए आपकी GD की एज पूरी हो गई है, तो दोबारा GD कैसे देख सकते हैं। या आप बिहार के हैं, झारखंड की भर्ती कैसे देखेंगे। या मैं इस वीडियो में आपको सब कुछ बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप, तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए। और रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है तो वो भी कैसे होगा, या आधार नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट बता रहा है तो वो भी कैसे होगा। लास्ट में या बीच में, वीडियो के बीच में आपको नंबर भी दे दिया जाएगा जिस पे आप कॉल करके पूछ सकते हैं। तो चलिए ठीक है, वीडियो के एंड तक बने रहिए। और आज की ये स्पेशली वीडियो सिर्फ इसी पर डिस्कस होगी कि दूसरे राज्य की भर्ती देखने के लिए क्या करें, या कैसे दूसरे राज्य की भर्ती GD की देख सकते हैं। ठीक, तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए। चलिए जय हिंद दोस्तों। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले ये बता दें दूसरे राज्य की भर्ती देखते कैसे हैं। ठीक, तो देखने के लिए आपको क्या करना रहता है। आज का सबसे सिंपल फंडा, एक यदि दूसरे राज्य की भर्ती देखनी है तो वहाँ का आपको एड्रेस से रजिस्ट्रेशन करना होगा। एड्रेस बोले तो आपको वहाँ का, जहाँ की भर्ती है वहाँ का डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट तो जानते हैं, डिस्ट्रिक्ट यानी सिटी, शहर, शहर, और तहसील, तहसील, एक डिस्ट्रिक्ट हो गया एक तहसील, वहाँ के डिस्ट्रिक्ट और तहसील से आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा आपको, बिल्कुल न्यू रजिस्ट्रेशन, न्यू जीमेल से, न्यू मोबाइल नंबर से। यदि आप लोग के दिमाग में चल रहा है कि यार मेरा तो पहले से ही रजिस्ट्रेशन है, क्या मैं उसी में अपना स्टेट और डिस्ट्रिक्ट तहसील चेंज कर सकता हूँ, तो ऐसा बिल्कुल ही संभव नहीं है, 1% भी नहीं संभव है। ठीक, तो जो जो बता रहा हूँ बात को ध्यान से सुनते रहो और वीडियो को एंड तक देखते रहो यदि चाहते हो दूसरे राज्य की भर्ती सही से देखें और पकड़े ना जाएँ तो। ठीक, तो जैसा कि मैंने कहा कि रजिस्ट्रेशन सबसे बड़ा मुद्दा है, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ठीक, वो लड़कों का करके दिया जाता है। ठीक, और दूसरी बात, आपको वहाँ का आधार कार्ड पे एड्रेस भी डलवाना पड़ता है। जैसे कि आपको मालूम है आधार नंबर चेंज नहीं होता है, आधार नंबर नेवर चेंज, बट आपको एड्रेस वहाँ का डलवाना पड़ेगा जहाँ की आप भर्ती देखना चाहते हैं। ठीक, ये तो रही हमारी दूसरी बात। ठीक, जैसे कि आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब तीसरी बात, तीसरी बात यह है कि आपके पास निवास होता है, निवास, वहाँ का निवास आपको बनवाना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, निवास बहुत ही ज़रूरी है वो, यदि वहाँ का निवास बनवाते हैं तभी वहाँ की भर्ती आप देख सकते हैं, नहीं तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ही मार के भगा दिया जाएगा या ऐसे ही रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि आर्मी में थोड़ा पीट भी देते हैं, कहीं कहीं ऐसे राज्य हैं और आर्मी वाले कुछ हरामी भी होते हैं, वहाँ जहाँ चेक करते हैं वो मतलब गाली से भी ज़्यादातर बात करते हैं। यदि आप पकड़े जाते हैं तो 2-4 डंडे मार के आपको भगा देंगे यदि आपके पास निवास नहीं है तो, और यदि आपका कोई गलत डाटा डॉक्यूमेंट दिए हैं तो सर्टिफिकेट ऑफ रिजेक्ट देके आपको वहाँ से भगा दिया जाएगा कि तुमने गलत डाटा दिया है आर्मी वालों को। ठीक, तो जैसा कि मैंने बताया कि निवास, निवास आपका वहाँ का होना चाहिए। ठीक, तीसरी बात यह है, यदि आप क्लास 10th का सर्टिफिकेट वहीं से पास हैं, यानी आप दूसरे राज्य से भर्ती देख रहे हैं, अगर वहाँ से क्लास 10th पास हैं तो बहुत अच्छी बड़ी बात है। यदि आप अपने राज्य से क्लास 10th पास है, दूसरे राज्य की भर्ती देख रहे हैं तो भी देख सकते हैं। लेकिन इस समय क्या हो रहा है, इस समय ये हो रहा है कि फ़र्क सिर्फ इतना हो गया है कि यदि आप, मान लीजिए मैं बताता हूँ फ़र्क क्या है, इस समय का ये फ़र्क है, यदि आप मान लीजिए यूपी के हैं, बिहार में भर्ती देख रहे हैं, तो ऐसा हो रहा है ना कि यूपी का जो सर्टिफिकेट इस्तेमाल लड़के बिहार में कर रहे हैं, तो बिहार वाले जितने भी सर्टिफिकेट से बिहार के देख रहे हैं उनको अलग दिन दौड़ाया जा रहा है, और यूपी वाले जितने भी सर्टिफिकेट हैं बिहार में लड़के देख रहे हैं उनको अलग दिन दौड़ाया जा रहा है। ठीक, तो ऐसा नियम आर्मी वाले निकाले हैं। मैं सभी नियम का जितना भी है सर्वे करता रहता हूँ, पता लगाता रहता हूँ क्या बदलाव हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है। तो सभी कुछ जानने के लिए यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए हो लाल बटन का सब्सक्राइब जो बटन है उसको दबाइए, बगल में बेल आइकॉन है उसको भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हर एक जानकारी आपको घर बैठे बैठे वीडियो के माध्यम से मिलती रहे आपके होम डिस्प्ले पर। ठीक, तो चलिए अब मैं बात कर रहा था सर्टिफिकेट की। तो सर्टिफिकेट यदि आप उस स्टेट के हैं तो ठीक है, बेटर है, यदि नहीं है फिर भी बेटर है, देख सकते हैं, उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। बस वहाँ दूसरे राज्यों के लड़कों को दूसरे दिन दौड़ाया जाता है सर्टिफिकेट देखकर, जो एडमिट कार्ड पे डेट आई होती है, और वहाँ उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाता है, तो वहीं पे ज़्यादातर दिक्कतें आ जाती हैं। लड़के डरते हैं कि डॉक्यूमेंट में वेरिफिकेशन में हमको छांट ना दिया जाए। तो देखिए, आप लोग को डरने की बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है, आर्मी वालों के पास कुछ रिकॉर्ड होता है पुराना, ठीक, 10 या 20 या 30%, उनके पास पूरा 100 में 100 रिकॉर्ड नहीं होता है, क्योंकि मैंने
ये प्रूफ कर सकता हूँ। जैसे ये 2020 चल रहा है, ठीक, 2020 चल रहा है, कितने लड़के 2019 में भर्ती हुए हैं, भर्ती हुए हैं वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट के देख देख के भर्ती हुए हैं, उनका एज पार हो गया था, 27 28 साल हो गया था या 25 साल हो गया था, जीडी की एज निकल गई थी, फिर भी वो लड़के जीडी का दोबारा भर्ती देखे हैं, नया सर्टिफिकेट बनवा कर, क्लास 10th पास कर कर, आधार पे संशोधन करवा कर, और वो हो भी गए हैं, सैलरी भी पा रहे हैं, कुछ उनको दिक्कत नहीं है, ठीक। तो इससे क्या प्रूफ होता है? और कुछ लड़के 2019 में पकड़े भी गए हैं, ये भी बात सच है, दोनों बात मेरी 100 में 100% सच है। इसमें से मैं कुछ भी यदि आपको झूठ बोलता हूँ तो आप मेरी वीडियो को लाइक मत कीजिएगा, ठीक, यदि आपको लगता है कि मेरी बातें झूठी हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप देखिए मत, देखिए, ये देखिए तकदीर बदलती रहती है, ठीक। तो आप यदि शांत रहते हैं तो कुछ नहीं होगा, आप भर्ती देखिए, ये मत डरिए कि मैं पकड़ा जाऊंगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये मत सोचिए, आप भर्ती देखिए। ऐसा थोड़ी ना है कि आपको भर्ती देखने पे यदि अभी पकड़े भी गए तो आपको फांसी दे दी जाएगी कि आपको मौत की सज़ा सुनाई जाती है, बताइए ऐसा कहीं हुआ है? कहीं नहीं हुआ है, बहुत किया जाएगा, 2 4 डंडा मारा जाएगा, इससे आप डर के आर्मी की भर्ती देखना क्या बंद कर देंगे, आर्मी में जाना छोड़ देंगे? तो आप लोग डरिए मत, आपका रजिस्ट्रेशन तो हम गारंटी के साथ करके दे रहे हैं पिछले 4 या 6 महीने से लड़कों का, लड़के खुश भी हैं, हमारे चैनल पे लाइक भी आती हैं, सब्सक्राइबर भी बढ़े हैं, 4 5 हज़ार सब्सक्राइबर बढ़ चुके हैं 1 महीने में। हमारा टारगेट है कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को आप लोग शेयर कीजिए वीडियो को। हाँ, रजिस्ट्रेशन करने में आ रही है दिक्कत, आधार नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट बता रहा है, ठीक। तो इसकी क्या मेन प्रॉब्लम है वो भी आपको बता देते हैं, रुक जाइए, वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा। रजिस्ट्रेशन करने में जो मेन दिक्कतें आ रही हैं, जैसा कोई लड़का बिहार का है, उसने बिहार से एक बार रजिस्ट्रेशन करवाया है, उसे झारखंड से रजिस्ट्रेशन करवा के दूसरी बार भर्ती देखना है, तो उसका इशू आ रहा है कि आधार नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट, आधार नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट की इशू आ रही है। तो उसका भी सोल्यूशन हम लेके आ चुके हैं, उनका भी रजिस्ट्रेशन हो रहा है बिल्कुल आसानी से, और उनके सेम जीमेल, नहीं, जीमेल सेम नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ रियलिटी, उसमें उनको नया नंबर यानी न्यू नंबर यूज़ करना है, उनको उनको न्यू नंबर यूज़ करना है, न्यू नंबर यूज़ करना है, न्यू जीमेल यूज़ करना है, ठीक, ये दोनों चीज़ नया रहेगा। और दूसरे स्टेट से यदि आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो नया रजिस्ट्रेशन करना ही पड़ेगा देखने के लिए, ठीक। और साथ ही साथ जैसे आप किसी भी राज्य की देख सकते हैं, जैसे बिहार से हैं तो झारखंड की देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश की देख सकते हैं, छत्तीसगढ़ की देख सकते हैं, वेस्ट बंगाल की देख सकते हैं, जो आस पास के आपके राज्य हैं, राजस्थान है, वहाँ वहाँ की आप भर्ती आसानी से देख सकते हैं बिना कोई दिक्कत के, जो जो मैंने बताया वो आपके पास होना चाहिए, ठीक। तो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है, ज़्यादातर लड़के रजिस्ट्रेशन में ही परेशान हैं, रजिस्ट्रेशन की सारी दिक्कतें आ रही हैं, आधार नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट या फादर नेम, मदर नेम, कैंडिडेट नेम, डेट ऑफ बर्थ, जीमेल, मोबाइल नंबर, वो लिख रहा है ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक। तो इससे कैसे बचें, इसका रजिस्ट्रेशन कैसे किया जा रहा है, वो अगली वीडियो बनते ही आपको अपलोड तुरंत कर दी जाएगी, और अपलोड होगा तो आपको कैसे पता चलेगा, जब आप बेल आइकन दबाएंगे, प्रेस करेंगे, चैनल सब्सक्राइब करेंगे तभी पता चलेगा। और एक लड़के का मैंने सुबह ही सुबह आज करके दिया है, तो इसका हम आपको दिखा देते हैं, आज इसका करके दिया गया है, ठीक। तो ये लड़का कहाँ का था और इसका आज करके दिया गया है, तो ये लड़का था अपना पंजाब का था, पंजाब में रैली इस समय चल रही है, तो ये बंदा पंजाब का था, तो इसे इसका सुबह करके दिया गया है, ये यहाँ से देख रहा था, चंडीगढ़ से शायद था, तो इसे पंजाब से देखना था, तो इसका हमने सुबह नया रजिस्ट्रेशन करके दिया, उसी नाम से दिया, उसी डेट ऑफ बर्थ से दिया, सब कुछ बंदे का वही है, सब कुछ वही है, देख सकते हैं यहाँ पे, सब कुछ बंदे का वही है, कुछ भी चेंज नहीं किया गया है, और यहाँ पे उसका मोबाइल नंबर भी इसमें वही है, और ये देख सकते हैं डिटेल भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आधार नंबर भी सेम लड़के का वही है, आधार वेरिफिकेशन भी हमने करके दिया है। आप इस पे कॉल तो वैसे मत कीजिएगा इस लड़के पे, ताकि इसे दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, ठीक। तो इस नंबर को मैं हटा नहीं पाया, इस पे कॉल मत कीजिएगा, ठीक। चलिए ठीक है, तो जहाँ तक कि मैंने आपको बताया कि दूसरे राज्य की भर्ती देखने में यदि आपको ज़रा सी भी दिक्कत हो रही है, तो जैसे कि मैंने बोला था कि वीडियो के एंड में आपको नंबर दे दूंगा, तो नंबर आपको लिख देता हूँ, लेकिन हाँ, नंबर देने से पहले ये बता दूं कि आप बार बार कॉल करके परेशान नहीं करेंगे, छोटी सी छोटी बात नहीं पूछेंगे, वीडियो देख लेंगे, ठीक। यदि आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, आधार नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट बता रहा है, तभी सिर्फ आप कॉल करेंगे, या फादर नेम, मदर नेम, कैंडिडेट नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट बता रहा है, तभी आप कॉल कीजिए, ठीक। बार बार कॉल मत कीजिए, नंबर नोट कर सकते हैं, 8279436440, ये जियो का नंबर है, सिर्फ व्हाट्सअप कीजिए, कॉल कीजिए, कॉल का टाइमिंग क्या है, सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक,
आप कभी भी बीच में कॉल कर सकते हैं। सुबह कॉल करेंगे कोई आपका कॉल रिसीव नहीं करेगा। हाँ, आपकी मिस कॉल भी आई रहेगी तो आपको कॉल बैक कर दिया जाएगा, ठीक। उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए, बार बार कॉल मत कीजिएगा। मिस कॉल भी आपकी देखी जाएगी तो आपको कॉल कर दिया जाएगा, ठीक। यहाँ तक यदि आपको समझ में आया तो चलिए आगे एक बार फिर से बता देते हैं। जो भी ट्रेडमैन क्लर्क जो भी पोस्ट रहती हैं उनके लिए आपको बता दिया जाता है क्या एलिजिबिलिटी चाहिए। आपकी प्रोफाइल सही से वेरीफाई करके दी जाती है आधार नंबर के साथ। साथ ही साथ आपको बताया जाता है डॉक्यूमेंट में क्या क्या रहना अनिवार्य है जिससे आप छटे ना जाएं, और किस बोर्ड से आप पास हैं, NIOS बोर्ड भी इसमें एलिजिबल है कि नहीं है, सब कुछ बताया जाता है। और साथ ही साथ इसे दोबारा देखने का सही तरीका क्या था वो मैंने यदि डिस्कस कर दिया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा। और साथ ही साथ जो भी आसपास के पड़ोसी राज्य हैं उनकी भर्ती देखने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये जितने पड़ोसी राज्य हैं उन्हें आप देख सकते हैं आसानी से, ठीक। तो उसके लिए क्या क्या ज़रूरी था मैंने आपको बता दिया। अगर वीडियो को अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद। और वीडियो अगर आप पूरे देखे हैं तो ज़रूर आप पसंद आ रही होगी और लाइक करके ही जाएंगे। जय हिंद दोस्तों, जय भारत। चलिए वंदे मातरम, अगली वीडियो में मिलेंगे बहुत ही जोश के साथ। अगली वीडियो बहुत ही अच्छी लाएंगे ताकि आपको खुशी हो। अगर किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट कीजिए, उस टॉपिक पे वीडियो बनाई जाएगी और डाली जाएगी, ठीक। क्योंकि जब तक आप बोलेंगे नहीं, कमेंट नहीं करेंगे, तब तक हमें पता नहीं चलेगा और हम अपने मन से ही वीडियो बना के डालते रहेंगे या रजिस्ट्रेशन कर करके देते रहेंगे। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में। हंसते हंसते वंदे मातरम।